हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं और पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखते समय हमें कौन कौन सी हेडिंग्स को डालना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। तो स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान हम सभी को इस वीडियो में एक एक हेडिंग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी निबंध लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यह निबंध एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि निबंध लिखते समय जो हमारा पहला हेडिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए और उसे हम उसमें हमें क्या लिखना है। ठीक है, हम एक एक हेडिंग को लिखेंगे और उस का अर्थ भी लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। तो देखिए, प्रस्तावना सबसे पहला हेडिंग आपका होना चाहिए निबंध में। प्रस्तावना यानी कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिखना है प्रस्तावना में। तो देखिए, हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है कि पर्यावरण हमें चारों ओर से प्रवृत्त किए हुए हैं, यानी कि जो पर्यावरण है बच्चों वो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक है, आज पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है इसलिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। यानी कि स्टूडेंट, जो पर्यावरण है वो निरंतर प्रदूषित हो रहा है, अब चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो। ठीक है, लेकिन पर्यावरण जो है धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है और हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने, इसको भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है इसमें। आज पर्यावरण प्रदूषण ने विकराल रूप धारण कर लिया है जिससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। यानी कि स्टूडेंट, जो पर्यावरण प्रदूषण है वो धीरे धीरे प्रदूषित कर रहा है हमारे वातावरण को और एक विशाल रूप उसने धारण कर लिया है जिससे मानव जीवन में भी हानि होता है। ठीक है, मानव जीवन को भी नुकसान पहुंचता है जिससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। तो प्रस्तावना में आपको इसी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कुछ लिखना होगा थोड़ा सा, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, दूसरा हेडिंग हमारा इसमें क्या होगा, वो होगा प्रदूषण का अर्थ, यानी कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बच्चे, प्रदूषण का अर्थ जीवन का विकास स्वच्छ वातावरण में ही संभव है। अगर वातावरण स्वच्छ होगा, ठीक है, तो जीवन का विकास उसमें ज़्यादातर संभव होता है और जो मानव होते हैं उसमें स्वच्छ रहते हैं, जो जीव होते हैं वो स्वच्छ रहते हैं अगर वातावरण और पर्यावरण स्वच्छ है तो। ठीक है, अब आगे देखिए, पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है, यानी कि स्टूडेंट, जो पर्यावरण होता है ये जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, अब इसके बाद जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात, यानी कि स्टूडेंट, पर्यावरण जो होता है इसमें जो है तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, जब पर्यावरण में किसी तत्वों का अनुपात बदलने लगता है किसी भी कारण से, तो जब बदलने लगता है स्टूडेंट, तो उसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित तो हो रहा है। ठीक है, अब प्रदूषण के अर्थ में आपको इतना लिखना है। ठीक है, अगर आप और भी जानते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, जितना बड़ा निबंध होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, अगर आपके पास टाइम है तो आप निबंध को अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, जीवन का विकास स्वच्छ वातावरण में ही संभव है, पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, यानी कि जीवधारी के वो अनुकूल होता है जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात बदलने लगता है तो उसका जीवधारियों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो जो डिजीज है ये जीवों में होंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्रदूषण का अर्थ आपको इतने में लिखना है। अब आगे देखते हैं अगला हेडिंग हमारा क्या होगा, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा अगला हेडिंग जो होगा वो होगा प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कितने प्रकार से होता है और हमें किन किन भागों में देखने को मिलता है। तो देखिए, वातावरण में प्रदूषण निम्न रूप में दिखाई देता है, यानी कि कई प्रकार होते हैं प्रदूषण के, जैसे वायु द्वारा प्रदूषण, उसे कहेंगे हम वायु प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तो इन सबको चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है वायु प्रदूषण। तो देखिए, वायु में प्रदूषण में हमें क्या लिखना है, वायु जीवन का मुख्य स्रोत है। जैसा कि आपको जैसा कि पता है कि वायु जो है ये लाइफ का एक मुख्य सोर्स होता है, यानी कि जीवन का एक मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, वायु जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। अब आगे देखिए, प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है और जो वायु हम लेते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन। अब आगे देखिए, कोयला तेल कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैसें भर जाती हैं या भर गई हैं, जो प्राचीन इमारतों, वस्त्रों, धातुओं तथा मनुष्यों के फेफड़ों के लिए हानिकारक है। अब देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण अगर है तो ये मनुष्य को किसी ना किसी, यानी कि जीवों को किसी ना किसी तरह से हानि पहुँचाएगा।
ठीक है। तो किस प्रकार से ये हानि पहुंचाता है बच्चों, ये है जो ये मनुष्यों के फेफड़े के लिए हानिकारक है। अगर वायु प्रदूषण प्रदूषित है तो वो फेफड़ों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे फेफड़े में जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये फेफड़े के लिए हानिकारक है। तो वायु प्रदूषण के बारे में आपको इतना लिखना है, पहले लिखना है कि वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है। वायु जीवन का मुख्य स्रोत है, प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जो कोयला होता है, तेल कारखानों की चिमनियों के जो धुएं होते हैं, वे हवा में जो है अनेक हानिकारक गैसें भर जाती हैं उन्हीं के कारण, और जिससे जो है प्राचीन इमारतों के जो होते हैं वस्त्र होते हैं धातुएं तथा मनुष्य के फेफड़े के लिए हानिकारक हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट वायु प्रदूषण। अब हम देखते हैं दूसरा प्रदूषण जो कि है जल प्रदूषण, उसमें हमें क्या लिखना है। तो देखिए, जल ही जीवन है, आपको पता है जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट वायु के बाद जो दूसरा मुख्य स्रोत है वो जल ही है। सबसे पहले वायु है, ठीक है, वायु के बिना भी हम जीवित नहीं रहेंगे और जल के बिना भी नहीं रह सकते। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी कि अगर जल शुद्ध रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े नगरों के गंदे नालों तथा सीवरों को नदियों में छोड़ दिया जाता है, यानी कि जो गंदे नाले होते हैं बड़े बड़े शहरों के और जो सीवर होते हैं, ठीक है, जो बाथरूम के निकलते हैं उनको नदियों में छोड़ दिया जाता है। तो इससे होता क्या है, यहाँ पर लिखिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो ये है स्टूडेंट जल प्रदूषण के बारे में, यानी कि जल ही जीवन है, जल का शुद्ध होना हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। और जो बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले होते हैं, वो भी पानी होते हैं लेकिन गंदे पानी होते हैं, ठीक है, तथा सीवरों को नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित तो हो जाता है, ठीक है। और विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है, तो इसको भी रोकने की आवश्यकता है। अब तीसरा स्टूडेंट हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट, वो है ध्वनि प्रदूषण। देखिए, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, ध्वनि प्रदूषण की नई समस्या है, ठीक है। और ये बहुत, ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए क्या है, जो मोटर कार होते हैं, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के ध्वनि के आदि के ध्वनि ने संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी कि जो मोटर कार होते हैं, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर, ये सब जो हैं ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो है ईयर इफेक्ट होता है कान, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं ध्वनि प्रदूषण को भी। अब स्टूडेंट हम इसके बाद का जो प्रदूषण है उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगला हेडिंग जो आपका होगा स्टूडेंट पर्यावरण प्रदूषण के निबंध में, वो होगा रेडियो धर्मी प्रदूषण। अब ये क्या होता है, ये स्टूडेंट आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, यानी कि जो वैज्ञानिक है वो लगातार परीक्षण कर रहे हैं किसी ना किसी मिसाइल का, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं, तो परमाणु परीक्षण जब निरंतर होंगे तो इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो स्टूडेंट जो परमाणु परीक्षण होते हैं, ठीक है, उसके जो उससे निकले जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन में क्षति पहुँचाते हैं। यानी कि रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है ये वैज्ञानिक परीक्षणों के कारण होता है। तो वैज्ञानिक जब परीक्षण करते हैं तो जो उससे परीक्षण से जब मिसाइल जाती है तो जहाँ पर वो गिरती है, ठीक है, वहाँ से रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो वायुमंडल में फैल जाते हैं। जब निकलेंगे तो वायुमंडल में जो है बिखर जाएंगे और अनेक प्रकार से हमें हमारे जीवन को क्षति पहुँचाएंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला हेडिंग हमारा है रासायनिक प्रदूषण, ये क्या होता है। अब जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण में जो आपका जापान में जो हुआ था, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, और उससे जो पदार्थ निकले थे उसके वहाँ के आदमी जो है स्टूडेंट अभी भी उससे ग्रसित हैं, ठीक है। तो आगे देखिए हम लोग देखते हैं रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। लास्ट प्रदूषण आपका है कारखानों के साथ बहते अपशिष्ट द्रव्यों, कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब स्टूडेंट कारखानों के साथ बहते अपशिष्ट द्रव्य जो होते हैं, कीटनाशक दवाई होते हैं, वे पानी के साथ बहते हैं और पानी के साथ जब बहेंगे तो अगर वो नदियों में चले गए, ठीक है, तो वो किसी ना किसी तरह से मानव जीवन को या जीवों को हानि पहुँचाते हैं। तो ये है स्टूडेंट रासायनिक प्रदूषण। अब हमारा अगला हेडिंग होगा बच्चों कि प्रदूषण की समस्या, यानी कि प्रदूषण की जो समस्या उससे हानि क्या है, हमें हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, निरंतर बढ़ती जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ना, भूमि का कटाव, धरती के तापमान में वृद्धि, ओजोन की परत का सिकुड़ना तथा वनों की विनाश ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। यानी कि स्टूडेंट अगर निरंतर जनसंख्या बढ़ती जाएगी
तब भी प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। रेगिस्तान का बढ़ना, ठीक है, जहाँ पर पानी ही नहीं है, भूमि का कटाव, धरती के तापमान में अगर वृद्धि होगी तब भी हमारे लिए समस्या है। ओजोन की परत का सिकुड़ना, अगर ओजोन की परत सिकुड़ेगी तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है वो हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक करेंगी, जिससे हमें कोई ना कोई रोग हो सकता है, जैसे कैंसर हो सकता है। तो जो ओजोन परत होती है ये सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ठीक है, ताकि वो हमारे ऊपर ना पड़े। अब ओजोन की परत भी सिकुड़ रही है तो इसका मतलब हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तथा वनों के विकास ने विश्व के सम्मुख एक प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। देखिए, अगर वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण से सिर दर्द, आंखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि हो सकते हैं। तो वायु प्रदूषण से इतने बड़े बड़े रोग हो सकते हैं आपको, ठीक है, तो इससे वायु को प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, उसको स्वच्छ रखना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि आप इसको स्वच्छ कैसे रख सकते हैं घर बैठे। तो देखिए बच्चों, प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं। अगर आप प्रदूषित जल पिएंगे तो उससे आपको पाचन तंत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं, और ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है शारीरिक एवं मानसिक तनाव बढ़ता है। तो सिंपल है स्टूडेंट, की प्रदूषण से हमें किस प्रकार से हानि होती है। अगर वायु प्रदूषण है तो हमें सिर दर्द हो सकता है, आंखें दुखना, खांसी तथा हृदय रोग भी हो सकते हैं। अगर जल प्रदूषित है तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो सकती है। अगर ध्वनि प्रदूषित है तो शारीरिक एवं मानसिक तनाव बढ़ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है प्रदूषण, वातावरण, पर्यावरण प्रदूषण। अब देखते हैं बच्चों हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, कि ये किस प्रकार की समस्या और इसका समाधान हम कैसे करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, समस्या और समाधान हमारा अगला हेडिंग है। तो देखिए, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है बच्चों, साधन है, वो वृक्षारोपण है। यानी कि अगर आपको पर्यावरण प्रदूषण से बचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वृक्ष जो है स्टूडेंट वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए वृक्ष को लगाना अति आवश्यक है। तो क्या आप लोगों ने वृक्ष को लगाया है? अगर आपने लगाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि वृक्ष को लगाना चाहिए ताकि हमें ही उससे लाभ होगा। जब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा स्टूडेंट, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो देखिए आगे, देखिए, मानव को चाहिए कि वृक्षों को काटने के बजाय उन्हें फलता फूलता देखें। यानी कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए, फलता फूलता हुआ देखना चाहिए, हरी हरी देखना चाहिए, ताकि उनको भी शांति मिले और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। अब आगे देखिए बच्चों, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे के विधिवत समाप्त करने के उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि वायु प्रदूषण से अगर हमें बचना है तो हर प्रकार की गंदगी और कचरों का जो है समाप्त कर देना चाहिए, इसे ठहरने नहीं देना चाहिए। अब आगे देखिए स्टूडेंट, कारखाने तथा मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। यानी कि कारखानों और मशीनें जो हैं उन्हीं व्यक्तियों को लगाने के लिए उन्हीं को दी जानी चाहिए सरकार द्वारा, जो कचरे और मशीनों के धुएँ को बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्था कर सकें अच्छे से, ठीक है, ताकि वो उससे जो है पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तो इस प्रकार से आप लोग समस्या और समाधान कर सकते हैं। सबसे मेन जो है वो है वृक्षारोपण, वृक्ष लगाकर आप पर्यावरण प्रदूषित को रोक सकते हैं। अब लास्ट में आपको लिखना होता है उपसंहार, कि पर्यावरण प्रदूषण को किस प्रकार से रोकना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, क्या हो सकता है। तो देखिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। यानी कि स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अब विश्व जो है इकट्ठा हो गया ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषित होगा तो पूरे विश्व को इससे हानि होगा, ठीक है। अब देखिए, हम सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक एवं सचेत रहना चाहिए, ठीक है, हम सभी को पर्यावरण के प्रति सचेत रहना चाहिए और स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो उपसंहार में आपको ऐसे लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये निबंध लिखना एकदम समझ में आ चुका होगा और आप भी लिख लेंगे क्या क्या मैंने हेडिंग डाला है, उसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग बताइएगा कि कितने लोग अब आप इस निबंध को लिख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।